विद्यार्थियों, आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग क्रमांक 5। उद्देश्य है बीज उपचार क्या है और बीज उपचार कैसे करें। जो हमारा सिलेबस है उसमें जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जो उद्देश्य दिया हुआ है वो है कवकनाशी और जैव उर्वरकों के साथ बीज उपचार कैसे करें। दोनों उद्देश्य एक ही हैं। तो विद्यार्थियों, आज आप वापस मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे आज जैविक खेती के प्रयोग क्रमांक 5 की। तो हम चलते हैं अब प्रयोग क्रमांक 5 की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार क्या है। फसलों के रोग मुख्यतः बीज, मिट्टी तथा हवा के माध्यम से फैलते हैं। फसलों को बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों को बोने से पहले कुछ रासायनिक दवाओं एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ जैव उर्वरकों से उपचारित किया जाता है। इसे बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। बीज उपचार गुणवत्ता युक्त भरपूर फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उन्नत और रोग प्रतिरोधक किस्मों के स्वच्छ, स्वस्थ और पुष्ट बीजों से बुआई की जाए। बीज को निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए अनुशासित रसायन या जैव रसायन से उसे ट्रीटमेंट किया जाता है या उपचारित किया जाता है। बीज उपचार वह प्रक्रिया है जिसमें बीज को बीज से होने वाले मिट्टी रोगों तथा कीटों से बचाने के लिए भौतिक, रासायनिक यानी कवकनाशी और कीटनाशी बायो इंजेक्ट की एक निश्चित मात्रा के साथ बीज शोधन किया जाता है। बीजों में किसी उपयुक्त रासायनिक और जैव अभिकर्ता की निश्चित मात्रा को इस प्रकार मिलाते हैं जिससे बीजों को बाहर रसायन या जैव रसायन की एक सुरक्षात्मक परत बन जाए जो बीज को बीज या मिट्टी के रोग कारकों से बचा सके। तो अब बात करते हैं बीज उपचार कैसे करें। एक भौतिक बीज उपचार होता है, उसकी बात कर लेते हैं। बीजों का अल्प समय के लिए उचित भंडारण। कुछ बीज जनित रोगों का जीवन चक्र छोटा होता है। यदि बीज की उचित वायुमंडलीय दशाओं तथा कम तापक्रम तथा कम नमी में कुछ समय के लिए भंडारण किया जाए तो बोए हुए रोग पैदा करने वाले कारक स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में बाजरे का अगट रोग जनक 5 से 8 माह में समाप्त हो जाता है। अतः इस रोग द्वारा संक्रमित बीज को उचित भंडारण के बाद अगले वर्ष निडर होके बोया जा सकता है। दूसरा है नमक के घोल के साथ उपचार। पानी में नमक का 2% का घोल तैयार करें। इसके लिए 20 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में अच्छे से मिलाएं। इसमें बुआई के लिए काम में आने वाले बीजों को डालकर हिलाएं। हल्के और रोगी बीज इस पानी में ऊपर तैरने लगेंगे। इन्हें निथार कर अलग कर लें और पेंदे में बैठे बीजों को साफ पानी से धोकर सुखा लें। फिर फफूंदनाशक, कीटनाशक और जीवाणु कल्चर से उपचारित करके उन्हें बोया जाए। अगला तीसरा है फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करके। बीजों को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करने के लिए भी इन्हें पाउडर या तरल अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए फफूंदनाशक पीटाविटिक, कार्बन डैम तथा बावस्टर इत्यादि सीप से 2.5 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। कीटनाशी दवाओं से उपचार। मृदा में कृमि, दीमक तथा अन्य कीट पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। बीज को कीटनाशकों से उपचारित कर बुवाई करने से बीज तथा तरुण पौधे को कीटों से मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त संसाधित बीज को भंडारण के दौरान सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में रस चूसक कीटों के नियंत्रित के लिए एम्फ्रेडा, क्लोम्प्रेडा या थाइमोक्सिमजा कीटनाशक 2 से 4 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। कीटनाशी की मात्रा बीज दर तथा आकार पर निर्भर करती है। गर्म पानी से उपचार। इस विधि में बीजों को 4 घंटे तक ठंडे पानी में भिगोकर रखें जिसमें कि रोगाणु रोग के प्रति अधिक असहिष्णु हो जाए। फिर बीज को 49 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी में बीज के अनुसार अलग अलग समय के लिए डालें। फिर बीज को सुखाकर बुआई करें। गेहूं का खुला
कंडवा यानी लूज स्मट की रोकथाम हेतु बीज को 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी से 10 मिनट तक उपचारित करें। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और इस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। रासायनिक उपचार, इसमें धूल उपचार होता है। बीज उपचार के लिए अधिकतर दवाएं पाउडर के रूप में मिलती हैं। 2 से 2.5 ग्रवा प्रति किलो बीज के हिसाब से दवा के बीज में किसी पीप या डब्बे मटके अथवा ड्रम में डालकर अच्छे से हिलाएं, जिससे दवा में हल्की परत बीजों पर अच्छी सी छा जाए। इस विधि में बीज की सतह पर लगे बीज के आवरणों से छिपे रोगजनक नष्ट हो जाते हैं। अगला, राइजोबियम कल्चर से उपचार। इस राइजोबियम कल्चर से बीज को प्रकार से उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ डालकर गर्म कर घोल बनाएं। वह ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर डालें। इसमें धीरे धीरे लकड़ी के डंडे से हिलाते रहें। यह मिश्रण एक है भूमि में बोए जाने वाले बीज की मात्रा के लिए उपयुक्त है। अब इस घोल में बीज पर इस ढंग से छिड़कें कि इसकी परत बीजों पर समान रूप से चढ़ जाए। अब इन बीजों को छाया में सुखाना चाहिए। इस प्रकार उपचारित राइजोबियम कल्चर युक्त बीज से दलहनी फसलों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा नत्रजन की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करना चाहिए। अब बीज उपचार के लिए कुछ फसलों के नाम हैं और कुछ प्रमुख कीट है और आप किससे उपचारित कर सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। आप लोग सबसे पहले धान। धान में प्रमुख रोग या कीट लगता है झुलसा, ब्लस्टा, पत्र लक्षण, भूरी जीवाणु परणी अंगमारी। किससे उपचारित कर सकते हैं? बैक्सटीन, कैप्टान, स्यूडोमोनास, फोलेंसिसा। और कितनी मात्रा में उपचारित करना है आपको? यदि बैक्सटीन और कैप्टानस उपचारित करें तो आधी मात्रा, और स्यूडोमोनास फोलेंस उपचारित कर रहे तो इसकी 10 मात्रा आपको लगेगी। गेहूँ में कौन सा रोग लगता है? तो अनुरथ कंड, उसमें आपको इस्तेमाल करना है, देखें हम लोग, रेक्सिल वेटाविक्स। धान में एक और रोग लगता है, ऊपर दिया हुआ है, दीमक। उसके लिए आपको क्लेरीसेविफॉस का इस्तेमाल करना है। इधर देखें तो गेहूं में दीमक भी लगता है, उसके लिए क्लोराफोरीमास का इस्तेमाल करना है। मक्का के लिए, मक्का में भी हमने बता रखा है यहाँ पर कि उसके शीत ब्लास्ट नामक रोग लगता है और थीरम और कैप्टाम का इस्तेमाल होता है। अरहर और चना में उकटा रोग लगता है, उसके लिए भी थीरम का इस्तेमाल होता है। मसूर मूंग में उकटा और झुलसा रोग लगता है, उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करते हैं। सनई में दीमक लगता है, तीसी में उकटा लगता है। तो ये जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है, ठीक है। इसमें मटर, गन्ना, फलदार सब्जियाँ, भिंडी, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, टमाटर एवं पत्तेदार सब्जी, गाजर, प्याज, मूली, शलजम, आलू, गोभी, इन सब में इन सबको उपचारित किया जाता है। बीज उपचारित करते समय क्या सावधानी रखना है, इसको भी नोट करें। जैव उर्वरक हमेशा विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। राइजोबियम कल्चर जैव उर्वरक हमेशा फसल विशेष के लिए उपयोगी करें। जैव उर्वरक लेते समय पैकेट पर अंकित निर्माण एवं प्रयोग की अंतिम तिथि अवश्य देखें। उपचारित बीज को तुरंत बोने हेतु उपयोग करना चाहिए एवं हमेशा ताज़े कल्चर का प्रयोग करें। यदि बोने के बाद उपचारित बीज की मात्रा बच जाए तो पशुओं एवं बच्चों से पहुँच से दूर रखना चाहिए। फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं अन्य दवाओं को खाली डिब्बे या जो पैकेट रहते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो बीज उपचार करते समय आपको इन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, शीड ट्रीटमेंट। इसको आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है, लिखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जिन लोगों ने या जिन विद्यार्थियों ने या आपके उन दोस्तों ने जैविक खेती का यदि वोकेशनल व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिया है तो उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए अच्छे से वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।